क्वेश्चन आपके सामने है टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एनसीईआरटी क्लास 10 फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, नेम अ कॉनकेव मिरर दैट गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमको ऐसे मिरर का नाम बताना है जो हमको इरेक्ट और इनलार्ज इमेज दे, ठीक है, और ऐसा मिरर आपको बताना है। तो बच्चों आपको जो कॉनकेव मिरर होता है, देखो ये कॉनकेव मिरर होते हैं, ये इसका पोल, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर का पोल, इसका जो फोकस होता है वो राइट साइड पर होता है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब इसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखते हैं, आपको पता है सिक्स कंडीशन होती है। सबसे पहले तो हम इन्फिनिटी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, उसके बाद बियॉन्ड सी रखते हैं सेकेंड केस में, उसके बाद एट सी रखते हैं थर्ड केस में, फिर सी एंड एफ के बीच रखते हैं फोर्थ केस में, फिफ्थ केस में एट एफ रखते हैं फिफ्थ केस में, और जो सिक्स केस होता है वहां पे रखते हैं हम बिटवीन एफ एंड पी। तो ये जो सारे जो पांच केस होते हैं ना, इस केस में जो इमेज है वो हमेशा लेफ्ट साइड पर बनता है और रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड। केवल ये सिक्स वाला केस होता है, इस केस में इमेज क्या बनता है, पीछे की तरफ बनता है, यहां बनता है, यहां बनता है, और वो इरेक्ट होता है एंड इरेक्ट होता है और इनलार्ज होता है, ठीक है। इनलार्ज इमेज बनाता है और इरेक्ट बनाता है। इनलार्ज का मतलब है काफी बड़ा ऑब्जेक्ट बनेगा, और इरेक्ट का मतलब है सीधा ऑब्जेक्ट बनेगा सीधा। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, मतलब यहां ऐसे करके नीचे को ऑब्जेक्ट बनेगा। रियल का मतलब अगर लाइट रियल में फॉर्म होती है, मतलब ऐसे इमेज को हम अगर स्क्रीन लगाएंगे तो वहां पर हमको इमेज दिखेगी, तो वो रियल इमेज होती है, ठीक है। और वर्चुअल बनेगा, और ये जो इमेज होता है ये वर्चुअल बनता है क्योंकि ये पीछे बनेगा, ठीक है। अगर आपसे ये भी पूछ लेता वर्चुअल कौन से केस में बनेगा, तो कॉनकेव मिरर में केवल एक ही केस होता है सिक्स वाला, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी के बीच रखा होता है, तब हमारा वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज बनता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। मैं इसका रे डायग्राम बना के भी दिखा देता हूं, ठीक है। जो हमारा सिक्स वाला केस होता है, देखो ये कॉनकेव मिरर बना लिया मैंने, ये पोल, ये एफ, ठीक है, ये इसका सी, ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दो, ठीक है, बिटवीन एफ एंड पी। तो एक बेस दे दो पैरेलल, तो आपको पता है बच्चों अगर पैरेलल रेज होती है तो कहां से जाती है, फोकस से। तो इसको मैं ऐसे करके बढ़ा देता हूं फोकस से, ठीक है। फिर दूसरी रेज हम ले लेते हैं पोल से, क्योंकि फोकस से तो ले नहीं सकते, तो यहां से पोल से ले लो। तो पोल से जिस भी एंगल से जाती है उसी एंगल से निकल जाती है। तो यहां देखेंगे जो रेज है ना वो डाइवर्ज हो रही है, तो डाइवर्ज हो रही है तो यहां तो कभी मैच हो नहीं सकते, कभी नहीं मिल सकते, तो क्या करेंगे पिच को बढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे ये। अब यहां पर मिलेंगे तो यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज बना लेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट अगर ए बी था तो इमेज बन गई ए डैश बी डैश, और कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है, इरेक्ट बनी है और इनलार्ज बनी है। और अगर आपसे पूछ लेगा इसके लिए एम का वैल्यू, तो एम का वैल्यू इसके लिए ग्रेटर देन वन होगा, ठीक है। एम का मतलब मैग्निफिकेशन, जब भी ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनती है तो एम का वैल्यू ग्रेटर देन वन होता है। अगर एम जो ऑब्जेक्ट है बड़ा है, इमेज छोटी है, तब m का वैल्यू लेस देन 1 होता है, और जब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम होते हैं तब m का वैल्यू इक्वल टू 1 होता है। तो कॉनकेव मिरर स्टूडेंट तीनों टाइप की इमेज बना के देता है, ठीक है, तीनों टाइप की इमेज बना के देता है। तो ये तीनों टाइप का ही हमारा वैल्यू देता है, m का वैल्यू तीनों टाइप का मिलेगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। जो व्हीकल्स होती है उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं, तो ये पूछा है हम वो प्रीफर क्यों करते हैं, भाई कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों लगाएं, कॉनकेव या कुछ और क्यों नहीं लगाते। तो देखो बच्चों उसका भी रीजन है, ठीक है। रीजन क्या है, जब हम सामने बाइक को ड्राइव कर रहे होते हैं या कार को ड्राइव कर रहे होते हैं, हम ये चाहते हैं हमको ना छोटा सा तो मिरर होता है हमारे पास सामने, छोटा सा मिरर लगा होता है, ठीक है, काफी ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा सा मिरर लगा होता है, ठीक है। हम ये चाहते हैं इस मिरर में बहुत एरिया दिख जाए, बहुत बड़ा एरिया दिख जाए, तो इसके लिए ये कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, हमेशा छोटी इमेज बना के देता है हमेशा, ठीक है, हमेशा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इमेज बनाता है।
तो इमेज क्या बनाएगा, जैसे मान लो बड़ा काफी सारा एरिया होता है तो वो बड़े से एरिया को छोटी सी इमेज बना के दे देता है, काफी हमको ये वाइड व्यू देता है। क्या देता है? वाइड व्यू, मतलब वाइड व्यू का मतलब काफी बड़ा व्यू बना के देता है। तो अब वो ड्राइवर के लिए तो बहुत अच्छा है, ड्राइवर सामने बैठा है, छोटा सा मिरर लगा है और सामने बहुत सारी व्हीकल्स को अपने को पीछे इजीली देख लेता है और उसके हिसाब से हम अच्छे से सेफ्टी के साथ ड्राइविंग कर लेगा। तो इसका रीजन में क्या लिखोगे? बी प्रिफेयर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू इन व्हीकल्स बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव अ इमेज विच इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड इट ऑल्सो फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। ड्यू टू दिस अ ड्राइवर कैन सी अ वाइड फील्ड व्यू, ड्यू टू दिस अ ड्राइवर कैन सी अ वाइड फील्ड व्यू, दैट्स व्हाई वी प्रिफर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, रीजन समझ गए? रीजन क्या है? हम कॉन्वेक्स मिरर इसलिए यूज करते हैं बिकॉज ऑफ ड्राइवर कैन सी अ लार्ज फील्ड व्यू, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को।